हेलो, आज की वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को रीड करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम शो हो रही है। अ गन बैरल हैविंग मास 560 केजी इज डिजाइन विद फॉलोइंग डाटा। इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 मीटर पर सेकेंड। ओके, रिकॉयल डिस्टेंस ऑन फायरिंग 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद मास भी दिया हुआ है, हमने लिख लिया। सबसे पहले हमने फाइंड करना है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले सॉल्यूशन यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हमने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यानी कि के फाइंड करना है, या स्टिफनेस बोल सकते हैं। उसके बाद हमने सीसी फाइंड करना है। ये हमारे पहले दो स्टेप है। सबसे पहले हम के फाइंड करते हैं। के फाइंड करने के लिए जब आपको कोई भी गन बैरल के रिलेटेड प्रॉब्लम आए, उस समय आपने अगर प्रॉब्लम में आपको बोला गया होगा जहां तो आप जो वेलोसिटी फाइंड करें, या फिर स्टिफनेस फाइंड करें, या फिर जे रिकॉइल डिस्टेंस फाइंड करें, उस समय ये फॉर्मूला लगेगा कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं ड्यूरिंग वाइब्रेशन ये दोनों एनर्जी आप में इंटरचेंज होती रहती है। ओके, कनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम एक्स डॉट स्केयर, यानी कि मास वेलोसिटी का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर। यहां पर देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एम हमें गिवन है 560, वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 स्केयर, के हमें नहीं दिया, एक्स दिया हुआ है, रिकॉइल डिस्टेंस ऑन फायरिंग 1.5 स्केयर। ओके, जब भी कभी आपको गन बैरल के रिलेटेड कोई भी बैरल के रिलेटेड प्रॉब्लम आए, उस समय सबसे पहला स्टेप होगा जहाँ तो आपने स्टिफनेस फाइंड करनी है, जहाँ आपने जे इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पर यहाँ से अभी हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के की हमारे पास वैल्यू आएगी 322.56 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर। ओके, उसके बाद हमने फाइंड करना है सीसी। सीसी होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला था 2m ओमेगा n। ओके, ओमेगा एन को हम क्या लिख सकते हैं? √KYM। यहां से हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं? √M × √M। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, एक √M, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस तरह से बुक में वैसे दिया हुआ, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, मास हमें पता है, के पता है, स्टिफनेस जो अभी हमने कैलकुलेट की है, सीसी हम निकाल सकते हैं। सीसी अभी हमारे पास आ जाएगा जब हम सोल्व करेंगे 26880 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। सीसी हमारे पास आ चुका है। ओके, उसके बाद अभी हम नेचर फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेचर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? √KYM। के हमें पता है, कैलकुलेट किया, एम पता है, तो हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 24 रेडियन पर सेकेंड। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम में बोला गया है थर्ड स्टेप, जो टू स्टेप हमने सॉल्व कर दिए। थर्ड स्टेप में उन्होंने बोला है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैरल टू रिटर्न अ पोजीशन 0.12 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर हमने करना क्या है। मैं आपको एक ग्राफ की मदद से बताता हूँ करना क्या है। बेसिकली ये जो रिकॉइल डिस्टेंस है ऑन फायरिंग वो है 1.5 मीटर। यहाँ पर एम्पलीट्यूड से हम शो करते हैं, रिकॉइल डिस्टेंस है 1.5 मीटर। जब रिकॉइल हुआ उस समय कुछ टाइम लगा होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आफ्टर रिकॉइल, रिकॉइलिंग ऑन फायरिंग, ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा,
उस समय कुछ टाइम लगेगा, ये हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है। ओके, जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, एक तो जब रिकॉइल डिस्टेंस ऑन फायरिंग, उस समय कुछ टाइम लगा जब फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आना है। उन्होंने बोला है ओरिजिनल पोजीशन कितने डिस्टेंस तक आना है, 0.12 मीटर। तो हम जिन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैरल टू रिटर्न ना टू अ पोजीशन 0.12 मीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अभी हमने फाइंड किया था नेचर ऑफ फ्रिक्वेंसी को, वो हमारे पास आई थी 24 रेडियन पर सेकेंड। नेचर ऑफ फ्रिक्वेंसी से अभी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद इस टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड हमने क्यों कैलकुलेट किया है, बेसिकली टू फाइंड द रिकॉयल टेक्स टाइम, रिकॉयल को कितना टाइम लगा। ये हमने आइडियली एज्यूम किया है कि रिकॉयल को टाइम लगता है 1/4 इंटू दिस टाइम, 1/4 जो स्टैंडर्ड है, 1/4 इंटू दिस टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा रिकॉइल को कितना टाइम लगा, 0.0654 सेकेंड। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है जे वाला, 0 से 1.5 मीटर रिकॉइल हुआ, रिकॉइल डिस्टेंस ऑन फायरिंग उस समय कितना टाइम लगा, 0.0654 सेकेंड। उसके बाद इसने ओरिजिनल पोजीशन पर आना है अप टू 0.12 मीटर, स्टेटमेंट में बोला गया है उसे कितना टाइम लगेगा। ओके, ये अभी हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप में। जब भी कोई गन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस समय क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होता है, ये हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम नहीं करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग का ही केस होता है उस समय। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू a1 + a2t होल ब्रैकेट में आएगा इंटू e^-ω t। जब क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होता है उस समय ये इक्वेशन यूज करते हैं। अभी इसमें हम a1 a2 फाइंड करेंगे, ओमेगा हमें पता है 24 रेडियन पर सेकेंड। ओके, a1 a2 फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले देखें x इज इक्वल टू 1.5 जब रिकॉइल डिस्टेंस ऑन फायरिंग, रिकॉइल डिस्टेंस यानी कि 1.5 मीटर यहां पर आके रुक गया। ओके, रिकॉइल डिस्टेंस, रिकॉइल हुई गन, ओके, यहां पर आके रुकी, जब रुकी है डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। उस समय टाइम हम एज्यूम कर रहे हैं 0, उस समय टाइम इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहां पर आकर गन रुकेगी थोड़े समय के लिए, उस समय वेलोसिटी होगी 0 एट अ टाइम इज इक्वल टू 0। ये हमने बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। सबसे पहले हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1.5, टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1.5, टी इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, e^0 1 हमारे पास आ जाएगा, a1 = 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्स डॉट है यानी कि वेलोसिटी, यानी कि इसका हमें एक टाइम डेरिवेट फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इन ब्रैकेट्स को, उसके बाद इसका डेरिवेट फाइंड करते हैं। ये ओमेगा आ गया जाएगा, माइनस ओमेगा आ गया जाएगा, बाकी सेम रहेगा, माइनस a1 ω e^-ω t प्लस, यहाँ पर देखिए टी के दो फंक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए को कॉमन निकाल लेते हैं, टी का डेरिवेट करते हैं 1 with respect to t 1 आएगा, इसे हम ऐसे लिख लेंगे प्लस, उस टाइम टी को हम ऐसे लिख लेंगे, इसका डेरिवेट कर देंगे, माइनस ओमेगा आ गया जाएगा। ओके, उसके बाद e^-ω t, यहाँ पर माइनस ओमेगा आ गया आएगा, सिर्फ टी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद अभी हमने क्या किया, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर ली, उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशन ये वाली पुट कर दी, x.=0 t=0 x.=0 t=0, यहाँ पर देखें ये 0 हो जाएगी क्योंकि t=0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखें जे e^0 1 हो जाएगी, a2 रह जाएगा, e^0 1 हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पर देखें अभी क्या करना है, ये हमारे पास था a2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इधर जाके पॉजिटिव a1 ओमेगा,
ए टू इज इक्वल टू ए वन कितना है हमारे पास, जो अभी हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब हमने पुट की थी। इन्हें वैसे बाउंड्री कंडीशन ही बहुत बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन टाइम टाइम के रिलेटेड है। जो कंडीशन ज्योमेट्रिक के साथ रिलेटेड होती है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, इन्हें हम बोलेंगे टाइम इनिशियल कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन टाइम के साथ रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर देखें ए वन हमें पता है 1.5 ओमेगा हमने कैलकुलेट किया 24, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए टू हमारे पास आ जाएगा 36, ए वन भी आ चुका है हमारे पास, ए टू भी आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू टी ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। ए वन कितना है हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.5, ए टू हमारे पास कितना है 36, ओमेगा कितना है 24। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स है यहाँ पर एक्स पुट करना है 0.12, इनिशियल पोजीशन कहाँ तक करना है 0.12 मीटर तक। ओके, यहाँ पर अभी हम यहाँ से टी को फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, वो आप कर सकते हैं। हम टी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। टी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जब ये लेफ्ट है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी, वो वाली टी की वैल्यू हमारा आंसर होगा। टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.17 सेकेंड बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास ये वाला टाइम आ गया जब इनिशियल पोजीशन पर आना है 1.17 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.17 प्लस दिस टाइम 0.0654। टोटल टाइम लगा 0.2354 सेकेंड। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।